सड़कों पर अक्सर ही रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। ट्रैफिक नियम लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसका परिणाम उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। एक आंकड़े की बात करें तो रोजाना 400 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। देश में हर साल करीब 1.5 लाख से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। वहीं लाखों लोगों को इसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हर साल जितनी मौतें होती हैं, उसमें लोगों की जान सबसे अधिक वाहन को तेज गति से चलाने, ओवरटेकिंग और खतरनाक ड्राइविंग के कारण होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। राज्यों में भी इसे लागू कर दुर्घटनाएं रोकने की कवायद तेज की गई है। इसी कड़ी में बिहार में भी इसकी कवायद तेज कर दी गई है। अब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस यानी कि IRAD तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। IRAD के ऐप पर पुलिस, पथ संबंधित विभाग, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को ऑनलाइन अपडेट डाटा अपलोड करना है। हालांकि अभी भी परिवहन विभाग के द्वारा IRAD पोर्टल पर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डाटा अपलोड करना लंबित है। इसके लिए राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को पत्र लिखा है। आयुक्त ने IRAD पोर्टल पर सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि को सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े और तथ्यों को 100% समय से अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर ये ऐप काम कैसे करेगा। दरअसल IRAD ऐप पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत और घायलों की सूची अपडेट करनी होती है। यह एकीकृत डाटाबेस होगा। हर जिलों के IRAD ऐप पर संबंधित विभागों को सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। इतना ही नहीं, पुलिस को दुर्घटना की जानकारी ऑन स्पॉट दर्ज करनी होगी। परिवहन विभाग को मोटर व्हीकल की जाँच कर इसकी सूचना अपलोड करनी होगी। सड़क से जुड़े विभागों को दुर्घटना स्थल की रोड डिटेल देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा से संबंधित डाटा अपलोड करना होगा। इन सारी सूचनाओं के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद दुर्घटनाओं के कारणों को चिन्हित कर उसे दूर करने की कवायद होगी। इसको लेकर पदाधिकारियों का भी कहना है कि IRAD पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया जा चुका है, जिसका पालन किया जाएगा। इस ऐप से दुर्घटनाओं में कमी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखना होगा कि ये ऐप कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।